फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता राव्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा पुलाव। राजमा पुलाव के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसे हम जान लेते हैं। ये हमने इंडिया गेट बासमती राइस लिया है, जिसे हमने बॉईल कर लिया है। ये हमने राजमा लिया है दो प्रकार का, एक थोड़ा सा लंबा है और एक लाल कलर में आता है, इसे भी हमने बॉईल कर लिया है। इसमें हमने 4 से 5 सीटी के अंदर इसको बॉईल कर लिया है। इसमें हमने सॉल्ट डाला था, ऑयल डाला था और टर्मरिक पाउडर डाला था। और ये हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। हमने ऑनियंस को लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है। कैप्सिकम लिया है हमने, इसे भी हमने लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है। कैरेट लिया है, इसे भी हमने कट कर लिया है लंबे स्लाइस में। ये हमने टोमेटो लिया है, इसे भी हमने लंबे स्लाइस में काट लिया है। ये हमने कुछ ग्रीन चिलीज ली हैं और हमने ये पीस लिए हैं। और ये कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं हमने। ये हमने राजमा मसाला लिया है, इसमें हमने 2 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है। और गार्निशिंग के लिए हमने कोरिएंडर लीव्स लिया है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून और इसे गर्म करेंगे। और उसमें मसालों को हम जो हमने खड़े गरम मसाले लिए थे उसे हम फ्राई करेंगे। अभी हमारे मसाले भून गए हैं, अब हम इसमें ऑनियन डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हमारे ऑनियन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये हल्का गुलाबी हो गया है। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि पुलाव के अंदर हम थोड़ा सा इसमें क्रंच आ जाता है, अगर ज्यादा पका देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके अंदर हम बाकी की वेजिटेबल्स डाल देते हैं। पहले तो हम ग्रीन चिली डालेंगे, टोमेटो डालेंगे, कैरेट डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे और इन्हें सबको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे और उसे कवर करके थोड़ा सा हल्का सा पकने देंगे 2 मिनट के लिए। इसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। हमारे 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। हमारा राजमा डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें राजमा मसाला डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और इसे 3 से 4 मिनट तक हम ढककर अच्छे से पकने देंगे। ये हमने इसे कवर कर दिया है, 3 से 4 मिनट तक ये इसमें अच्छे से बफ हो जाएगा। अब हमारा 4 से 5 मिनट हो गया है, इसमें वेजिटेबल भी काफी अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें हमारे राइस को ऐड कर देंगे। हमने इसमें राइस डाल दिए हैं, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे राइस इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें
कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और 2 मिनट के लिए कवर करके इसे भाप में पकाएंगे। इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए इसे भाप में पकाएंगे। अब हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारा राजमा राइस बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हमारा राजमा राइस सर्व करने के लिए रेडी है।